बड़ी गालियां भी पड़ती हैं, कुछ लोग पसंद भी करते हैं। मियां नवाज शरीफ से वालेहाना मोहब्बत करने वाले ये हैं मिर्जा इखलाक अहमद, जो सोते जागते बाहर आते जाते नवाज शरीफ की तस्वीर को गले का हार बनाकर 24 घंटे अपने साथ लिए फिरते हैं। मिर्जा इखलाक अहमद आखिर मियां नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, जानिए उन्ही की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया आपको, ये अपने कायद की तस्वीर को आप गले में लटका के हर जगह पहुंच जाते हैं, तो कैसे ये आइडिया ज़हन में आया? ये जी मियां नवाज शरीफ साहब डिज़र्व करते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। और ये मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब ये मैं तस्वीर अपने गले में डालता हूँ और रोडों पर जाता हूँ, मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, ये मेरी तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मियां नवाज शरीफ को ट्रिब्यूट है मेरी। अच्छा, ये बताइएगा कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए हैं आपको ये तस्वीर अपने गले में लटका के पाकिस्तान में घूमते हुए? सर ये मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तकरीबन 4 साल से पहले मेरे पास दूसरी एक तस्वीर थी, वो तो उसको लेके मैं कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी जलसे में, कभी किसी जुलूस में, कभी किसी बाजार में, कभी किसी रोड पर जाया करता था। वो मोहसिन पाकिस्तान है, मेमोर पाकिस्तान है। तो जब से उनके साथ ज्यादतियाँ शुरू हुई हैं, मैंने उनके अपने गले में। अच्छा, ये बताइएगा कि अवामी रद्द अमल जो है, जब आप बाहर निकलते हैं इस तस्वीर को गले में लटका के, तो किस तरह का रद्द अमल देखने को मिलता है? जे बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं, लोग हुटिंग भी करते हैं जब मैं निकलता हूँ, और कुछ लोग पसंद भी करते हैं कि ये मियाँ साहब का दीवाना है ये बंदा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो हुटिंग ही करते हैं और बातें ही करते हैं। लेकिन मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है क्योंकि मुझे पता है मियां नवाज शरीफ की वर्थ का, मुझे पता है उनका, पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की कितनी कितनी खिदमत की हुई है। ये कुछ भी नहीं है, मैं और भी इनके लिए बातें सुनने के लिए तैयार हूं। कभी ऐसा हुआ हो कि इस तस्वीर की वजह से किसी मुश्किल में आप फंस गए हों और आपने सोचा हो कि काश यहाँ पर मैं ये तस्वीर लेके ना आया होता? नहीं नहीं, बड़ी जगह पर ऐसा हुआ है, लेकिन ये मैंने वो महफिल ही छोड़ दी है, वो मैंने वो सोसाइटी ही छोड़ दी है जहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मियाँ साहब का यानी कि तस्वीर डाल के जाने के लिए मुझे मसला है। मैं वहाँ पे जाता ही नहीं हूँ, चाहे वो जो मर्ज़ी जगह है, चाहे मुझे जितना मर्ज़ी फ़ायदा है, मैं ऐसी जगह पे जाता ही नहीं हूँ। एक बहुत ही मशहूर और बड़ी फेमस पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा जी मैंने आपके साथ वीडियो बनानी है लेकिन आपने मियाँ साहब की तस्वीर नहीं डालनी। मैंने कहा मैंने आपके साथ वीडियो नहीं बनानी, आप जा सकते हैं, आपका शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक जो है वो कितने जो लीगी कायदीन हैं उनके साथ आप मुलाकातें कर चुके हैं, और क्या तासुरात होते हैं जब इस तस्वीर के साथ उनसे मुलाकात करते हैं? जो लीगी कायदीन है वो तो माशाल्लाह खुश होते हैं, वो तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और ये बताइएगा कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप इतनी मुश्किलात जो हैं वो बर्दाश्त करते हैं इस तस्वीर की वजह से, तो इसका कोई रिवार्ड भी मिल रहा है? कोई मियां साहब ने कोई राबता किया है, कोई मुलाकात हुई कभी उनके साथ, कोई गुफ्तगू? जी मुलाकातें तो मेरी बड़ी होती रही हैं मियाँ साहब से। इस्लामाबाद में जब पेशियाँ होती थी, मियाँ साहब बड़ी इज़्ज़त देते थे, मियाँ साहब के साथ काफ़ी पंजाब हाउस में या नैब कोड इस्लामाबाद में काफ़ी मुलाकातें होती रही हैं, वो जानते भी बड़े अच्छे तरीके से। और मुझे यहाँ तक भी लोगों से पता चला है कि मियाँ साहब जो है लंदन में बैठ के मेरी तस्वीर ये वीडियोज़ देखते हैं, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मिर्ज़ा इखलाक को लंदन बुलाएँ और इसके लिए वीज़े का और टिकट का भी इंतज़ाम करें, और मुझे वहाँ से जो लोग आते हैं वो आके बताते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, महंगाई बड़ी बढ़ चुकी है, 331 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, बिजली के बिल, हर चीज़, तो उसके बाद जो अवामी रद्द अमल है उसमें क्या शिद्दत आई है, क्या समझते हैं? वो जो मियाँ साहब का दौर था और आज देखें कि कितने गुना महंगाई बढ़ गई। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाला था, उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ दुश्मनी ली है जिन्होंने ये हरकत की और मियां साहब को ना अहल करवाया और झूठे मुकदमों में ना अहल करवाया। हमें जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं वो भी यही बात करते हैं कि जिन्होंने मियाँ साहब को निकलवाया, वर्कर भी यही बात करते हैं, नाम कोई नहीं लेता, क्या वजह है, कौन लोग हैं वो? नहीं नहीं, मियाँ साहब बरमला कहते हैं जो जो लोग हैं, उन्होंने 10-12 लोगों का नाम दिया हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि लीगी कारकुनान मियाँ साहब के दौर को याद करते हैं, लेकिन 16 माह की हुकूमत रही, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, चीज़ें कम होने की बजाय, बेहतर होने की बजाय मामला ख़राब हो गए, तो क्या वजह समझते हैं? वो कायदा न सलाहते कम है शहबाज शरीफ? नहीं, कायद वो माशाल्लाह बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कायदाना सलाहियतें भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। ये जो सारा जो कूड़ा करकट उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, जो सारा सिस्टम बिखेरा हुआ था, मियाँ साहब को तो 16 माह उसको समेटने में लग गए। मियाँ साहब ने तारीख तो दे दी है आने की, तो उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ किस तरह से करने जा रहे हैं? सर माशाल्लाह हमारी जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रही हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के वर्कर, MNAs, MPAs
और जितने भी हमारे पाकिस्तान की गरीब अवाम के लोग हैं वो भरपूर इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लाहौर एयरपोर्ट पे जब वो उतरेंगे तो आपको अवाम का समंदर नज़र आएगा। किसी ने इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी जितनी मियाँ नवाज शरीफ ने कुर्बानियाँ दी, उनके भी सारा जो ख़ानदान है उनकी भी एक तारीख है पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, चाहे वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी, शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, हमारी जो अपर लेवल की जितनी भी लीडरशिप है सब ने जेलें काटी हैं, और किसी पार्टी में इतनी जेल काटने वाले लोग नहीं हैं जितनी जेल काटने वाले या जितना कुर्बानियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी हैं पाकिस्तान के लिए इतने लोग हैं। जो वज़ीर आज़म या मुंतखब नुमाइंदे आते हैं उनका काम होता है माफियात के ख़िलाफ़ एक्शन लेना, और शहबाज शरीफ 16 माह रहे, किसी माफिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या वो नाकाम हो गए? सर नाकाम नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो जितनी भी पोलिटिकल हुकूमतें आती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हाफ़ साहब आएँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी करे, उन्होंने हाथ डाला है, इनको माफियाज के हाथ डालना कोई पोलिटिकल बंदे का काम नहीं था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया था जिसको अब आके हाफ़ साहब ने हाथ डाला, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अब अच्छी समत की तरफ चलेगा इंशाल्लाह।